गुड मॉर्निंग लर्नर्स। पाइथन के इस वीडियो में हम लोग नमपाई के आगे के कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे। नमपाई जिसे हम लोग न्यूमेरिकल पाइथन के नाम से जानते हैं इज ए पावरफुल पाइथन लाइब्रेरी यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग। न्यूमेरिकल और साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए हम लोग नमपाई का यूज करते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स हम लोग विद द हेल्प ऑफ नमपाई बनाने की कोशिश हम लोग करते हैं। जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल तौर पे हम लोग छोटा सा प्रोग्राम से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। जैसे जस्ट लाइक एग्जाम्पल, मैंने एक एरे बनाया, एरे का नाम एरे वन रख दिया। यहाँ मैंने लिखा, इसके लिए अब नमपाई के लिए पहले इम्पोर्ट करना पड़ेगा नमपाई की लाइब्रेरी को। इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी, इससे हम लोग नमपाई की लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर सकते हैं। अभी युग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जो भी प्रोग्राम होता है वह जनरली हम लोग और पाइथन लैंग्वेज में ही लिखने का जॉब परफॉर्म करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि अब जितने भी डेटा हैं, डेटा बहुत सारे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा लोग क्लाउड के ऊपर रखते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर कॉन्सेप्ट है, क्लाउड के ऊपर रखते हैं, और उस डेटा को लेकर हमारा अब उस डेटा को फेच करके हम लोग जरूरी वर्क करना शुरू कर दिए। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के नाम से हम लोग जानते हैं। चैट जीपीटी जो बनकर तैयार हुआ, चैट जीपीटी भी एक्चुअली वर्क क्या करता है कि वह भी बहुत सारे पर्सन कहते हैं कि वह काम तो मैं गूगल के थ्रू भी कर ले रहा था, तो चैट जीपीटी क्यों आया। तो गूगल के थ्रू जब हम लोग करते थे तो गूगल क्या करता था कि हमें लिंक देता था, और चैट जीपीटी क्या करता है, सीधे वह हमारे कंटेंट को प्रोवाइड कर देता है, लिंक ना देकर कंटेंट को वह हमें प्रोवाइड कर देता है। तो इंटरनेट पे जो बहुत ज्यादा अमाउंट्स में डेटा है रखे हुए हैं, तो उस डेटा के साथ वर्क परफॉर्म करना है, क्योंकि अब जो युग आ रहा है उसमें सारा काम खेल जो होगा वह डेटा का ही होगा। तो वह डेटा लेकर वह हमें प्रोवाइड कर देता है चैट जीपीटी, और यह एक कॉन्सेप्ट आया। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या मशीन लर्निंग के नाम से हम लोग जानने लगे। जैसे को बहुत सारे डॉक्टर, जस्ट एक एग्जांपल, आज एक चैट डॉक्टर जीपीटी करके आ रहा है, तो जितने भी डॉक्टर इलाज कर रहे हैं उन्होंने अपना अपना किस इंफॉर्मेशन को फिट कर दिया क्लाउड के ऊपर कि किसी को सर्दी है तो ये दवाई पड़ेगा, खांसी में ये दवाई, फिर सिम्टम के अकॉर्डिंगली दवाई रख दिए। तो वह डेटा, सारा डेटा कहाँ रखा हुआ, क्लाउड के ऊपर। तो यह चैट जीपीटी क्या करता है, जैसे ही उसको कोई आके कहता है मुझे सर्दी है, खांसी है, ये सिम्टम बताता है, वो वहां से डेटा को फेच करता है और फेच करके वह लोगों को प्रोवाइड कर देता है। तो लोग कहते हैं वो उसके अंदर जो भी डेटा फेच करता है, डाटा पहले से क्लाउड पर सेव है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, और जैसे ही हम अपना क्यूरी देते हैं उस क्यूरी के अकॉर्डिंगली उस क्लाउड से डेटा को फेच करके बताते हो आपको ये भी सिम्टम्स है तो आपको यह दवाई आपको चलेगा। फिर अगर सेकेंड चांस कोई पूछने के लिए आया तो उसको और फर्स्ट करना शुरू कर देता है। तो वहां पे जो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं अधिकतर वह हमारा पाइथन है, और वहां पर हम लोग नम पाई का यूज करते हैं जहां पर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, लाखों करोड़ों में डेटा है, वहां से फेच करके कंपेरिजन करके आपको प्रोवाइड कर दिया। यानी तो यह काम जो हमारा करता है वह हमारा पाइथन के लैंग्वेज में हम लोग करते हैं, और इससे आसानी से हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं। रन कराने के लिए रन में जाएंगे, रन मॉड्यूल, जब रन मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे तब हमारा प्रोग्राम रन कर जाएगा। देखिए आपको 6 आउटपुट के रूप में दिखला दिया। यहां पर मैंने इसको कहा था कि तो आप दिखाओ 2-1 पोजीशन पर, तो 2-1 क्या, देखिए ये 0th पोजीशन का एलिमेंट है, ये फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट है, और सेकेंड पोजीशन का एलिमेंट है, और सेकेंड पोजीशन का फर्स्ट एलिमेंट है, 0th एलिमेंट है और फर्स्ट एलिमेंट है, तो आपको आउटपुट के रूप में 6 दिखा दिया। जहां पे कहा जाता है नमपाई के बारे में, वर्ड कहा जाता है कि नमपाई जो है एन डायमेंशनल एरे प्रोवाइड्स करता है, साथ ही साथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस अगर परफॉर्म करना हो, वास्ट कलेक्शन ऑफ द मैथमेटिकल फंक्शंस का इसके पास है, जहां पर आप एलजेब्रिक, स्टैटिकल, ज्योमेट्रिक, अर्थमेटिकल
इस तरह के बहुत सारे वर्क आप परफॉर्म कर सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, इंडेक्सिंग कर सकते हैं, स्लाइसेस कर सकते हैं, साथ ही साथ सी या सी प्लस प्लस में कोई कोडिंग किए हैं उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं, बहुत सारा काम आपका नंपाई करता है। तो हमने बात कर रहे थे कि जो डेटाबेस के ऊपर जो डेटा रखा हुआ है वहां से डेटा को फेच करके आपको प्रोवाइड करता है पाइथन। तो वह पाइथन लैंग्वेज की मदद से हम लोग आसानी से हम लोग बना लेते हैं या वर्क हम लोग परफॉर्म कर लेते हैं। पाइथन लैंग्वेज की मदद से आसानी से हम लोग वर्क परफॉर्म करना शुरू किए। एक्चुअली क्या होता है, जो भी डेटा रखा हुआ है डेटाबेस के ऊपर, जो इसको क्लाउड कहा जाता है, क्लाउड के ऊपर रखा हुआ है, जैसे ही कोई सेकेंड पर्सन पूछता है वह क्या करता है, वो अपने डेटाबेस से कंपेरिजन करता है या डेटा को फेच करके लाता है और लाकर वह प्रोवाइड कर देता है। तो लोगों को लगता है कि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है या वर्क है, लेकिन वर्क अब जो है पहले की तुलना में अब इजी हो चुका है और आसान हो चुका है। जैसे अभी हम लोग बनाना चाहते हैं, इसको सॉर्ट करना चाहते हैं, लिख देंगे एनपी डॉट सॉर्ट, जो हमारा एरे है, एरे का नाम दिए ऑर्डर किसके, नहीं कोमा देकर जीरो, कंट्रोल एस से सेव कर लिए, रन मॉड्यूल, यहां पर हम लोग उसको सॉर्टिंग कर सकते हैं, एरे एलिमेंट को हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं। आप देख भी रहे होंगे कि डेटा जो भी इसमें था वो आपका डेटा हम लोग सॉर्टिंग कर लिए, इसमें था आपका 4, 2, 5, आप इसको रन कराइए रन मॉड्यूल की मदद से और इसको हम लोग सॉर्टिंग कर जो भी परफॉर्म हम लोग कर सकते हैं। अब यह है कि वर्क को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे अगर लिखा हुआ है प्रिंट में, प्रिंट एक फंक्शन है जिसका काम है मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट का यूज करते हैं, टाइप TYP टाइप ARR का टाइप देखना चाहते हैं, प्रिंट नंबर ऑफ डायमेंशंस ARR डॉट एंडिम शेप देखना चाहते हैं तो प्रिंट शेप ऑफ एरे, ARR डॉट शेप साइज देखना चाहते हैं तो प्रिंट साइज ऑफ एरे, ARR डॉट साइज प्रिंट एरे स्टोर्स एलिमेंट को देखना चाहते हैं, टाइप को एरे स्टोर्स एलिमेंट ऑफ टाइप ARR डॉट डी टाइप, डेटा टाइप बताएगा, कंट्रोल एस से सेव कर लिए, रन कराना चाहते हैं रन मॉड्यूल, एरे ऑफ द टाइप जो है वो भी आपका सब कुछ आपका इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दिया। इस तरह से हम लोग नंपाई के मदद से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके कोई सी एरे का शेप साइज और उसके एलिमेंट्स डायमेंशन या सब चीज का इंफॉर्मेशन हम लोग देख सकते हैं। अब है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे वो आप देखिए, एक ए नाम का एरे बनाए, एनपी डॉट एरे, अगर 2D बनाना है
पहला वाले में एलिमेंट के रूप में रखे हैं 100 और 200, दूसरे वाले में 23 या 121। एक और एरे बनाए, इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल भी से पेस्ट कर लीजिए। एक का नाम ए रख दिए वेरिएबल का, एक का नाम बी, इसमें 10 और 20 रख देते हैं, और इधर हम लोग 12 और 21 रख देते हैं। गुणा करना है ए, एन लिखेंगे एन पी डॉट प्रिंट कर देंगे, प्रिंट डॉट वन को कंट्रोल एस से सेव कर देंगे, या इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल देगा। रन प्रोग्राम किए, या आपको इसका डॉट प्रोडक्ट आपको निकाल कर शो कर दे रहा है। इसमें एक्चुअली वर्क क्या किया कि 100 को गुना किया है 10 से, और 200 को गुना किया है आपका 12 से, और उसका सोल्यूशन दिया। फिर इसी प्रकार 200 का गुना किया है आपका, इसका 100 का गुना किया 12 इससे, 100 का गुना 20 से, और 200 का गुना 21 से किया है। इस तरह से हम लोग इसका वर्क परफॉर्म्स कर सकते हैं। साथ ही साथ नमपाई में हम लोग ब्रॉडकास्टिंग का भी काम कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट क्या होता है, द स्मॉलर एरे, इसमें कहता क्या है, ऑपरेशन ऑन एरेज ऑफ नॉन सिमिलर शेप इज स्टिल पॉसिबल इन नमपाई बिकॉज ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग कैपेबिलिटी। अर्थात नमपाई में एक ब्रॉडकास्टिंग कैपेबिलिटी होता है जिसमें एक बड़े एरे को छोटे एरे के साथ हम लोग मैट्रिक्स को गुणा कर सकते हैं। ऐसी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है नमपाई। कैसे ब्रॉडकास्टिंग करते हैं उस चीज को भी आप देखिए। ए नाम का एक एरे बनाए, एनपी डॉट एरे इसके अंदर मैंने एलिमेंट के रूप में रख दिया 0.0, 0.0, 0.0, कॉमा दिए 10.0, 10.0, 10.0, यहां कॉमा दे दिए, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी से कॉपी एंड कंट्रोल बी से पेस्ट। यहां 20.0, 20.0, 20.0, इसी प्रकार से यहां हो जाएगा आपका 30.0, 30.0 और 30.0। अब एक दूसरा एक एरे बनाए बी नाम का, जिसका साइज इसके तुलना में बहुत कम है। या एरे इसमें एलिमेंट के रूप में रखे 1.0 कॉमा 2.0 कॉमा 3.0 प्रिंट। फर्स्ट एरे पाइथन आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। पाइथन प्रिंट कर देगा ए को, प्रिंट सेकेंड एरे प्रिंट कर दिया जाएगा बी को, एरे प्लस सेकेंड एरे प्रिंट ए प्लस बी, कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे।
रन में जाएंगे, रन मॉड्यूल क्लोजिंग पैरेंथेसिस जो है वो मिसिंग है। अब देख लेते हैं, यहाँ पर एक छूट गया है, इसको आप दे लीजिए, बड़ी ब्रैकेट एक छूट रहा था। रन में रन मॉड्यूल आप आसानी से जॉब परफॉर्म कर सकते हैं। पाइथन में लाइन ऑफ कोड बहुत कम होता है, बहुत सारे पाइथन का ही वर्जन है जहां पे आप इसे क्लोज कर्ली ब्रेसेस में नहीं भी दीजिएगा फिर भी आपका यह काम चल जाता है। रन में जाकर रन मॉड्यूल या आपको आउटपुट के रूप में आपको दिखला दिया आउटपुट। इस तरह से आप ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए कहता है साइज इन ईच डायमेंशन ऑफ द आउटपुट शेप इज मैक्सिमम ऑफ द इनपुट साइज इन दैट डायमेंशन। दूसरी बात कहता है एंड इनपुट कैन बी यूज्ड इन कैलकुलेशन इफ इट्स साइज इज इन ए पर्टिकुलर डायमेंशन मैचेस द आउटपुट साइज और इट्स वैल्यू इज एग्जैक्टली वन होनी चाहिए। इस तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर नंपाई के ऊपर हम लोग डिस्कस करते रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। अर्थात आप पाइथन पर ध्यान दीजिए और एक मशीन लर्निंग को सीखिए, क्योंकि आज जो युग आ रहा है वह आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या मशीन लर्निंग के लिए बहुत ही उसका युग आ रहा है। और वही पर्संस अब सरवाइव कर सकेंगे जिनके बारे में आईटी का नॉलेज होगा या इस तरह के नए नए टेक्नोलॉजी का जिन्हें नया नॉलेज होगा। इसीलिए आप जरूर से जरूर नए नए टेक्नोलॉजी को सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।